जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके। नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद सैफई में गमों और आंसुओं का सैलाब है, लेकिन इस बीच सियासी चर्चाएं और सवाल तब शुरू हो गए जब चाचा शिवपाल ने एक बयान दे दिया। दरअसल नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद आज शुद्धिकरण का कर्मकांड हो रहा था, पूरा कुनबा एक साथ था, शिवपाल यादव भी थे। वहीं उसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब पार्टी और यादव परिवार में संरक्षक की भूमिका निभाएंगे, ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी में तो आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी की तो कुछ फैसले लेकर लेने का समय नहीं है, नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। तो शिवपाल कहते हैं कि अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें सम्मान नहीं मिला है, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, उन्हें साथ लेकर आएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। तो क्या चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को फिर से चुनौती दे दी है? और नेताजी के अंतिम संस्कार के 24 घंटे के अंदर शिवपाल यादव के ऐसे बयान के जब कई मायने निकाले जाने लगे तो सियासत भी तेज हो गई। और ऐसे में चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के समर्थकों के निशाने पर भी आ गए। हालांकि इस दौरान शिवपाल यादव ने फिर से नेताजी के प्रति अपने सम्मान और समर्पण को दोहरा दिया और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है। तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में दिल में जो संसार है सिमटा सिमटा दिखाई दे रहा है, तो बस यही है। तो जो कुछ भी चाचा शिवपाल ने कहा है उस पर आप भी अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में, और बताइए कि क्या नेताजी के ना होने पर चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल बनने वाली